कभी भी देखिए ये आप जीत ही नहीं पाएंगे। जो बनाता है वही जीतता है, जो ये गेम बनाता है वही सिर्फ जीत सकता है, बाकी लोग तो सिर्फ देखेंगे जीत नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ फोर्थ क्लास फिफ्थ क्लास बच्चों के लिए गेम है। देखिए एक तीन सर्किल है यहाँ पे, आप देख रहे हैं तीन सर्किल है, देखिए तीन सर्किल है। तो यहाँ पे मैंने नंबर्स लिखा, यहाँ पे भी नंबर्स लिखा, यहाँ पे भी नंबर्स लिखा। अब एल्गोरिथम ऐसा है कि मैं कोई सा भी तीन नंबर को लिया, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 6, 3, 4 को एक लाइन में लिया, तो 6 + 3 हुआ 9, 9 + 4 हुआ 13, तो अगला में जाऊंगा 3 + 8 = 11, 11 + 9 = 20, लाइक दैट यू आर गोइंग टू हैव डिफरेंट सम्स, बट यू आर गोइंग टू फाइंड ओनली वन कॉम्बिनेशन वेयर यू आर गोइंग टू हैव द सम व्हिच इज इक्वल्स टू ऑल द सम्स। दैट मींस एक ऐसा नंबर आएगा मान लीजिए 20, तो हर जगह में आपको 20 ही 20 मिलेगा। इसमें क्या फायदा है, आधा घंटा कम से कम फोर्थ क्लास फिफ्थ क्लास वाला कोशिश करेगा और उसका फ्रेंड को भी बोलेगा तुम मेरा हेल्प करो, और वो लोग टाइम लगा देंगे गिनने में, तब इतना फास्ट हो जाएगा आधा घंटे के बाद 2 + 3, 3 + 4, 5 + 3, वो फटाफट बोलने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जीतना हारना काम नहीं है, यहाँ पे हमारा मकसद है उसको एडिशंस को मतलब प्रैक्टिस करवाना। तो वो ऐसा बोलूंगा मैं बोर्ड पे लिख के तुम एडिशन करो, उसको मजा नहीं आएगा, ऐसा मजा आएगा क्योंकि वो जीतने के लिए खेलता है। चलिए यहाँ पे देखिए एक दसवीं वाला एज वेल एज ट्वेल्थ क्लास, इट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट व्हिच इज व्हाट वी कॉल्ड एज फैराडेस लॉ। अब मैं फैराडेस लॉ बोलने से पहले क्या पूछता हूँ आपसे, आपसे ही पूछ रहा हूँ मैं। मेरे हाथ में एक सिरंज है, ये आप जानते हैं सब लोग, ये आप मुफ्त में वेटरनरी डॉक्टर के पास मिल जाएगा ये, ठीक है, ये थोड़ा अच्छा है बड़ा, और ये कॉपर वायर है, और ये एक एलईडी बल्ब है, ये हर कोई क्लास में बोल देगा आपको आंसर, और ये मेरा हाथ में मैग्नेट है, ठीक है, और मैग्नेट इसमें मैं डालता हूँ और मैं ऐसा इसको करूंगा, तो यू कैन ऑब्जर्व दैट द लाइट ग्लोस, थोड़ा सा मैग्नीट्यूड में लेकिन लाइट ग्लोस, देन व्हाई द लाइट इज ग्लोइंग, एनीबॉडी, सर सिर्फ सिर्फ स्टूडेंट्स आंसर दीजिएगा प्लीज, व्हाई द लाइट ग्लोस, इफ आई एम गोइंग टू मेक इट लाइक दिस देन व्हाई द लाइट ग्लोस इज द क्वेश्चन, एनीबॉडी। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स का सर्क्यूट नहीं है, ना इसमें ट्रांसिस्टर लगा हुआ है, इसमें तो सिर्फ एक मैग्नेट है, कॉपर वायर है और एक एलईडी बल्ब है, और कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पे अगर आप सिरंज नहीं लेना चाहते हैं तो एक मोटा सा पीवीसी पाइप भी ले सकते हैं जो कटा हुआ, कुछ नहीं उससे, कुछ नहीं, कोई बोल सकते हैं क्या हम बोले, चलिए बोल रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चलो मान लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वेरी गुड आंसर। देखिए जब भी एक मैग्नेट आप लेते हैं तो मैग्नेट की चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, जानते हैं ना आप लोग मैग्नेटिक फ्लक्स, द इनविजिबल लाइंस ऑफ फोर्स, जैसा इसके अंदर डाला और यहां पे किया तो लाइट जला क्या, मैग्नेट तो अंदर ही है फिर भी लाइट नहीं जला, क्या रीजन हो सकता है, मतलब सिर्फ मैग्नेट और कॉइल नहीं है और कुछ है। चलिए अब बच्चा बोलेगा नहीं सर आपने हिलाया, उसको थोड़ा ये करो, मैं स्लोली हिला रहा हूं, तब क्या जलता है क्या, नहीं मुझे पास से करना पड़ता है, पास से करने से क्या इंक्रीज कर रहे हैं आप, फ्लक्स को चेंज ला रहे हैं कंटिन्यूअसली, जब फ्लक्स को कंटिन्यूअसली चेंज लेके आते हैं तो कौन प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जब इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है तो किसको ट्रिगर करता है, इंड्यूस्ड करंट, तो वो करंट से बल्ब जल रहे हैं, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब बोर्ड में लिखेंगे क्या है, यही तो है जनरेटर, जनरेटर तो ऐसे ही काम करता है, और जनरेटर वर्क्स, इट वर्क्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसी बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, ना बैटरी है मेरे पास, वो अपने आप इंड्यूस हो रहे करंट, तो दिस कॉन्सेप्ट इज व्हाट वी कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन, व्हाट इट इज कॉल्ड, सेल्फ इंडक्शन। चलिए हम म्यूचुअल इंडक्शन देखेंगे, चलिए हम आपको म्यूचुअल इंडक्शन दिखाएंगे, माने ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कैसा काम करता है। देखिए एक पीवीसी पाइप है, यहां पे एक बैटरी लूंगा मैं, इसको कनेक्ट करूंगा बैटरी को और इसको इसके अंदर डाल दूंगा, देखिए ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, बट जब मैं इसको ऐसा करूंगा तो यू कैन ऑब्जर्व द लाइट ग्लोस, देखिए ये क्या है, प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर चलता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, आप लोग जानते ही हैं, बारहवीं में है आपका, ठीक है। तो ये लीजिए एक बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट है जो मैटर का स्ट्रक्चर के बारे में बच्चे आराम से समझ सकते हैं, स्पेशली क्लास 7th, 8th, 9th, 10th, ये सब बच्चे आराम से समझेंगे। देखिए
मेरे पास तीन सिरंज है, एक में सैंड है, इसमें इसमें सैंड है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा उसको, इसको कंप्रेस करो, क्या कंप्रेस कर पाएगा? कंप्रेस कर पाएगा? इसको कंप्रेस कर सकते हैं हम? क्यों नहीं कर सकते हम? इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड सब्सटेंस में क्लोजली इतना पैक होता है कंप्रेशन, लेकिन आप एब्जर्व नहीं कर पाएंगे उसको। लिखिए, ये क्या है? एक लिक्विड है। चलिए मैं इसका भी कोशिश करता हूँ। एक लिक्विड लिया अंदर, वाटर, और इसको कंप्रेस करने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन होगा नहीं है। फिर भी वही हाल है, क्योंकि लिक्विड में गैप होता है, लेकिन वो गैप इतना छोटा होता है कि हम उसको कंप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। देखिए, एक गैप, देखिए अभी इसके अंदर तो कुछ नहीं है। अब क्या है? एयर, ठीक है। कभी भी बच्चा ये नहीं बोलना चाहिए कि इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर है कुछ। क्या है? एयर। एयर इज ऑल्सो ए मैटर, इट कंटेन्स पार्टिकल्स। अब देखिए ध्यान से, मैं इसको क्लोज करता हूँ और यहां से मैं प्रेशर देने का कोशिश करता हूँ। देन व्हाट यू हैव ऑब्जर्व, द वॉल्यूम इज गोइंग टू डिक्रीज। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? वॉल्यूम इज गोइंग टू डिक्रीज। व्हाई द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग? बिकॉज आई एम अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर यहां से दे रहा हूँ, तो मैं प्रेशर को बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। प्रेशर जब बढ़ती है तो वॉल्यूम क्या होती है? घटती है ना। तो व्हेन द प्रेशर इज गोइंग टू बी इंक्रीज, देन वॉल्यूम इज गोइंग टू बी डिक्रीज। ये कौन सा प्रिंसिपल है? बॉयल्स लॉ बोलते हैं। बॉयल्स लॉ सर, ओके। पीवी जानते हैं आप लोग, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो जब पीवी, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, नॉट ओनली दैट, वो कंप्रेसिबिलिटी भी समझ लेगा। अब वो समझ लेगा कि गैस सिलेंडर कैसे भरते हैं, ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि मतलब आप उसके लिए ज्यादा कुछ मतलब जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से बनवाएंगे, कहीं नहीं सर, 10-15 रुपए 20 रुपए, ज्यादा नहीं। आप कभी भी ना उसको एंकरेज मत करिए कि उस कंपनी में जाओ, वो खरीदो, इस कंपनी में जाओ। कभी भी स्टूडेंट बाहर से खरीदता है तो एक रेडीमेड किट ले लेता है वो। अब रेडीमेड किट में वो मतलब ज्यादा मतलब इंटरेस्ट नहीं रहता है जितना आप खुद बनाएंगे। फेल हो जाएंगे, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बहुत सारे ट्रायल्स करना पड़ेंगे, लेकिन यू विल गेट सक्सेस। तो आपको मजा भी आएगा। आप 10 बार फेल हो गए, 11वीं बार एक बार कोशिश करिए और सक्सेस हो गए तो आपका मजा ही अलग है। जैसा We are going to have this. Okay. Right. आप लोग जानते हैं साउंड? साउंड इज नथिंग बट डिस्टर्बेंस इन द सराउंडिंग मीडियम बोलते हैं। और साउंड वेव्स क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कंटेन्स कंप्रेशंस एज वेल एज रेयरफैक्शंस। देखें कभी कंप्रेशंस रेयरफैक्शंस हम ऑब्जर्व करते हैं, देखिएगा ये रेयरफैक्शन हो गया, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। उतना ही नहीं, इसको आप ना यहाँ पे डालेंगे, इसको एक धागा है ये, यहाँ पे डालेंगे तो नीचे मारिएगा तो कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन को सुन सकते हैं आप। यू कैन एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द साउंड ऑफ कंप्रेशन एज वेल एज साउंड ऑफ रिफ्रैक्शन। ये मजेदार बात है। अब इसको ऐसा खेलते हैं ना, ये टॉय बन गया, नहीं उसको ऐसा मत खेलिए, ऐसा ऑब्जर्व करिए इसमें क्या हो रहा है। देखिए मैं आपको और एक मॉडल दिखाता हूँ। देखिए ये एक पेपर को लिया, उसको मैंने थोड़ा स्लिट बनाया, तो ये हो गया मोबाइल फोन लेंगे और इसमें से लाइट पास करेंगे, तो आप लोग जानते हैं ये लाइट तो ट्रैवल होगा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ डब्बा है बस और कुछ नहीं। यहाँ पे मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस को रखा, तो आप ऑब्जर्व करिए मोबाइल फोन से, इसको ऐसा लगाऊंगा तो आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते। मैं डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे लाइट है, आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लाइट ऐसा जा, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड कॉन्वर्जिंग ऑफ लाइट। आप एक बाइकॉन्वेक्स लेंस को लें, बाइकॉन्केव लेंस को लेंगे, यहाँ पे लगाइए, यू कैन एबल टू ऑब्जर्व दैट, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। अब आप सिर्फ बोर्ड पे डालेंगे डायग्राम और ऐसा करेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि दे कैन एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक। तो नाउ यू ऑल अंडरस्टैंड दैट वेन एवर मैग्नेट इज मूविंग इन साइड द कॉइल, इट विल जनरेट इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट? जानते हैं ना सब लोग, तो मैं जितना ज्यादा फ्लक्स लेके आता हूँ तो आप लोग जानते ही हैं। तो ये क्यों गिर रहे नीचे? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी हर जगह में ऐसी है, या शायद रूम के बाहर कुछ और होगा, नहीं, हर चीज में ऐसी है, आप में, मेरे में, हर चीज में एक ही है ना। तो 9.8 बोलते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 है। चलिए एक काम करते हैं, मैं इसको इसमें डालता हूँ, डाल के देखो एक बार, ठीक है। देखिए ये चिपकता नहीं है, इतना टाइम क्यों लगा इसको? बहुत टाइम लग गया ना, देखिए अब ऐसा कैसा गिर रहा है। अब देखिए और एक बार देखिए, ध्यान से देखिए,
क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, बहुत टाइम लग गया। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग? एनीबॉडी? लेट्स गो फॉर अ ट्रायल। यस सर, यस। नहीं, इसके अंदर ऐसा, अच्छा मतलब ये तो बहुत छोटा स्मूथ सरफेस है सर, मतलब चलो मान लेता हूँ फ्रिक्शन है, लेकिन उस फ्रिक्शन में इतना दम है कि उसको रोके, क्या सिर्फ फ्रिक्शन से हो जाता है ऐसा? इतना टाइम फ्रिक्शन में, अंदर भी बहुत सॉफ्ट सरफेस है, कॉपर तो ऐसा देखिए बहुत सॉफ्ट है, आप जानते हैं कि फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन सरफेस, तो सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन बहुत कम होता है। हाँ, दूसरा चीज, चलिए मैं कोई वही मैं चलिए देखिए, आप देखे होंगे, चलिए हम बोलते हैं जब भी द मैग्नेट इज गोइंग टू मूविंग इनसाइड इट, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये अंदर से जा रहे हैं, देखिए ऐसा जा रहे हैं, देन आप जानते हैं मैग्नेट से क्या आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इज गोइंग टू बी एक्ट, देन व्हेनेवर द मैग्नेट इज गोइंग इनसाइड इट, देन इट क्रिएट चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज गोइंग टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ जहां पे है वहां पे इंड्यूस्ड करंट है, आप सब जानते हैं ऑयस्टर्स एक्सपेरिमेंट, जहां पे करंट है वहां पे कौन है, जहां पे भी आप